व्यूअर्स, हमारा जो है वो गर्मा गर्म चाइनीज खाना जो है वो आ चुका है और मुझे जो है ना बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा, और हमारे पास टेबल आप देख रहे हैं फुल हो चुका है। हमारे पास जो है वो जैपनीज तनियाकी है, उसके बाद राइस है और सिंगापुरियन नूडल्स हैं, और हमारे पास कोंग पाओ चिकन है। तो मेरे ख्याल से हम ट्राई करते हैं। इन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें इनकी बेस्ट है, वैसे तो सब कुछ बेस्ट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मेरे ख्याल से हम ट्राई करते हैं, थोड़े से राइस वगैरह जो है वो डालते हैं। बहुत मज़ेदार किस्म की जो है ना इस टाइम यहाँ पे खुशबू आ रही है और गर्म गर्म खाना सामने है, रोकना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि मेरी जो टीम सामने खड़ी है उन्होंने किस तरह अपने आप को कंट्रोल किया होगा। ये है जैपनीज, सो यार देखने में तो बहुत हैवी सीन लग रहा है, ज़्यादा डल गया, मैंने सब कुछ खाना है। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, यार एक वाकई डिफरेंट टेस्ट है। वाह, अंदर जो सॉसेजेस वगैरह डली हुई हैं, और मैं कहता हूँ कि यार कमाल है। वैसे ये मैंने इनका पहले ट्राई नहीं किया, मैं पहले दो दफ़ा तो आया हूँ लेकिन ये डिशेस मैंने ट्राई नहीं की थी। वाह, जो अंदर सॉसेजेस का फ्लेवर आ रहा है ना, नेक्स्ट लेवल है यार, लाजमी जो है ना आप ट्राई करें, मुझे तो बहुत पसंद आया। यहाँ पे आके आप हर दफ़ा अगर कुछ नया भी ट्राई करेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपको पसंद आएगा। मेरा तो अभी तक एक्सपीरियंस ऐसा जा रहा है, तो ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी भाई। अब साथ में हम जो है ना वो कोंग पाओ जो है वो भी ट्राई कर लेते हैं, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा खाते हैं। वाह यार, ये वाला मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा है, और वो जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो आपको यहाँ पे फील होगा, जो कि लेवल है भाई। दोनों चीज़ें कमाल की हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने अंदर अपनी जो है वो चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं फ्लेवर के लिए, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डलती रहती हैं, तो वाकई यहाँ का टेस्ट आपको एक डिफरेंट फील होगा और बहुत मज़ेदार होगा। और मैंने बहुत सी जगहों से चाइनीज़ खाया है लेकिन जब मैंने यहाँ का चाइनीज़ ट्राई किया ना, तो ये मेरा एक आप समझ लें कि चाइनीज़ में जो है ना वो फेवरेट स्पॉट हो चुका है, जहाँ पर मैं हर दूसरे तीसरे दिन बाद यहाँ पर आया होता। तो आप लोग भी जब यहाँ पर आकर ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाजमी पसंद आएगा। और यहाँ के जो ऑनर हैं, जो शेफ़ हैं फिदा भाई, उनका अखलाक भी बहुत अच्छा है और वो आपको जो है ना वो एक मज़ेदार किस्म की चीज़ जो है वो बनाकर खिलाएंगे। आप उनको आगे बस इतना कह दीजिएगा कि क्या चीज़ स्पेशल है, और वो आपको जो खिला देंगे ना, और आप कहेंगे भाई मज़ा आ गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आके आपके पैसे जो है ना वो लाजमी पूरे हो जाएंगे, और मैं कहता हूँ कमाल हो गया। नूडल्स भी जो है वो हम ट्राई कर लेते हैं। हो, ये आप देख रहे हैं फुल गर्मा गर्म, ज्यादा नहीं, हम थोड़ा ही डालेंगे, करते करते फिर भी ज्यादा ही डल गए। चलें जी, ये जो है ना वो हम ट्राई कर लेते हैं, और फुल सॉसी और जूसी किस्म के जो हैं वो लग रहे हैं। ओहो यार, नूडल्स खाने में ना मुझे एक सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, शुक्र है सही हो गया, वरना यहाँ पे जो है ना
फुल गरम और फुल जूसी किस्म के कमाल किस्म के नूडल्स हैं यार। जो इन्होंने अंदर सोसेजेस वगैरह डाली हैं ना, मैं कहता हूँ लेवल है। अंदर इसके जो है इन्होंने शिमला मिर्च और गाजर वगैरह भी जो है वो डाली हुई है। यार ये भी आउटस्टैंडिंग है। मैंने तीनों चीज़ें इनकी ट्राई की हैं, तीनों चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। अगर मैं तीनों को रेटिंग अगर मैं अपने करूं तो मुझे सबसे अच्छा जो है इनका कोंगपाओ लगा है, उसके बाद इनके नूडल्स अच्छे हैं, और उसके बाद ये इनका जो जापानीज़ है ना, देखने में ये आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट में भी ज़बरदस्त है, लेकिन इन तीनों चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोंगपाओ जो है वो सबसे अच्छा लगा है, जो कि बहुत मज़ेदार है। तो आप लोग भी यहाँ पर आके लाजमी जो है वो ट्राई कीजिएगा और ये चीज़ें खाइएगा। मैं तो फुल इन्जॉय कर रहा हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमने तमाम चीज़ें ट्राई की जो कि बहुत मज़ेदार थी, मैंने तो फुल इन्जॉय की है। मेरा थर्ड ट्रिप था और मैं दोबारा भी लाजमी आने वाला हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे ये जगह कितनी पसंद आई है। तो आप लोगों ने लाजमी आके ट्राई करना है, इनको सपोर्ट करना है। इजीली गूगल पे आप जाएंगे, इनकी लोकेशन देखेंगे, वहाँ पर आपको तोफू के नाम से गालिब मार्केट गुलबर्ग लाहौर में ये लोकेशन जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर आकर आप अपना रिव्यू जो है वो भी लाजमी पोस्ट कीजिएगा। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इनकी प्राइस जो है वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल थी। यहाँ पर आपको राइस जो है वो आपको मिल जाएंगे 380 रुपीज़ में। इसी तरह यहाँ पर जो है अगर हम नूडल्स की बात करें तो वो आपको यहाँ पर 480 रुपीज़ में मिलेंगे। और जो हमने जापानीज़ तन्याकी जो है वो ट्राई किया जो कि बहुत डिलीशियस था, वो यहाँ पर आपको जो है वो 510 में मिलेगा। उसके अलावा जो कोंगपाओ है वो भी आपको यहाँ पर अराउंड 400 में जो है वो मिल जाएगा। यानी कि अगर प्राइसेस की बात करें एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, तो आपको चाइनीज़ में इससे अच्छा पॉइंट कोई नहीं मिल सकता। इनकी सर्विंग, इनकी क्वालिटी, इनका इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि यहाँ पर आकर आप लोगों के पैसे जो है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने वाले। तो हमारे जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको बताते चलें, यू विल गेट दीज अमेजिंग डिलीशियस चाइनीज़ इन जस्ट $7 to $8। जो सारी चीज़ें मैंने जो आज ट्राई की हैं, यानी कि 3 से 4 बंदों के लिए ये इनफ है। आप लोग इसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो लाजमी दोबारा आऊँगा, आप लोगों ने भी ज़रूर आना है।